नमस्कार, स्वागत है आपका एनएन स्पोर्ट्स पर। मैं हूं आपके साथ अनुराग सिंह। आईपीएल का 13वां सीजन कोरोना काल की वजह से टल चुका है। ये कब होगा इसकी जानकारी किसी को नहीं है, लेकिन आईपीएल के पहले के सीजन्स में जिस तरीके से अब तक खिलाड़ियों के परफॉर्मेंस रहे हैं, लोग उसे रिव्यू जरूर कर रहे हैं। आने वाले समय में कौन सा खिलाड़ी कैसा प्रदर्शन कर सकता है, दरअसल ये यही स्टैटिस्टिक्स बताते हैं। तो आज के हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि कौन से ऐसे आईपीएल के अब तक के तमाम संस्करणों में धाकड़ गेंदबाज रहे हैं, जिन्होंने अपनी धारदार गेंद से बल्लेबाजों को परेशान किया है और जिनके स्टैटिस्टिक्स बहुत अच्छे हैं, आपको बताते हैं इस वीडियो में। पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले रखे कोरोना वायरस की वजह से बीसीसीआई ने आईपीएल के 13वें सीजन को अगले आदेश के इंतजार में अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया है। 29 मार्च से शुरू होने वाले आईपीएल का 13वां सीजन कब शुरू होगा, इसके बारे में अभी तक कुछ भी कहना जल्दबाजी हो सकती है। देश विदेश के करोड़ों क्रिकेट फैंस आईपीएल के 13वें सीजन के आयोजन को लेकर टकटकी लगाए हुए हैं। सिर्फ क्रिकेट फैंस ही नहीं, बल्कि दुनिया भर के बड़े बड़े खिलाड़ी और दिग्गज भी यही चाहते हैं कि आईपीएल का 13वां सीजन आयोजित किया जाए। भारत में कोरोना के कोहराम के बावजूद बीसीसीआई को उम्मीद है कि वे इस साल आईपीएल के 13वें सीजन का आयोजन कर सकते हैं। यही वजह है कि उन्होंने इसे रद्द नहीं किया है। आईपीएल न होने की वजह से हम आप सभी के लिए आईपीएल से जुड़े कुछ जबरदस्त फैक्ट और रिकॉर्ड की जानकारी लेकर आए हैं। आज हम आपको आईपीएल के उन गेंदबाजों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनके नाम आईपीएल इतिहास के सर्वश्रेष्ठ बॉलिंग फिगर्स दर्ज है। खास बात यह है कि इन गेंदबाजों ने धूम धड़ाके और तूफानी पारी खेलने वाले बल्लेबाजों के बीच सनसनी फैला दी। आईपीएल में यूं तो गेंदबाजों का दबदबा बल्लेबाजों के मुकाबले कम ही देखने को मिलता है, लेकिन इस बात में कोई दो राय नहीं कि गेंदबाजों ने भी मौका मिलने पर बल्लेबाजों पर कहर बनकर टूटने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ईशांत शर्मा। आईपीएल में कई टीमों के लिए मुख्य गेंदबाज की भूमिका निभा चुके तेज गेंदबाज ईशांत शर्मा बेस्ट बॉलिंग फिगर्स की लिस्ट में शामिल है। वो टॉप 5 गेंदबाजों की लिस्ट में 5वें स्थान पर आते हैं। साल 2011 में खेले गए आईपीएल के 4थे सीजन में ईशांत ने डेक्कन चार्जर्स के लिए खेलते हुए कोची टस्कर्स केरला के खिलाफ 3 ओवर में सिर्फ 12 रन देकर 5 विकेट चटकाए थे। अनिल कुंबले। आईपीएल का दूसरा सीजन साल 2009 में दक्षिण अफ्रीका में खेला गया था। इस सीजन में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के सबसे अनुभवी गेंदबाज अनिल कुंबले ने राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ 3.1 ओवर में सिर्फ 5 रन देकर 5 विकेट चटकाए थे। खास बात यह है कि कुंबले ने अपने उस स्पेल में एक मेडन ओवर भी निकाल लिया था। आईपीएल में बेस्ट बॉलिंग फिगर्स वाले गेंदबाजों की लिस्ट में कुंबले 4थे स्थान पर है। एडम जेम्पा। साल 2016 में खेले गए आईपीएल के 9वें सीजन में राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स के लिए स्पिन गेंदबाज एडम जेम्पा ने सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ 4 ओवर में 19 रन खर्च कर 6 विकेट अपने नाम किए थे। वो इस लिस्ट में तीसरे पायदान पर है। सोहेल तनवीर। आईपीएल के पहले ही सीजन में राजस्थान रॉयल्स के तेज गेंदबाज सोहेल तनवीर ने साल 2008 में चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ एक मैच में गेंदबाजी करते हुए अपने 4 ओवर के स्पेल में 14 रन देकर 6 बल्लेबाजों को चलता किया था। उस साल राजस्थान रॉयल्स आईपीएल इतिहास का पहला चैंपियन भी बना था। सोहेल तनवीर इस लिस्ट में दूसरे पायदान पर है। अल्जारी जोसेफ। मुंबई इंडियंस के युवा तेज गेंदबाज अल्जारी जोसेफ ने साल 2019 में खेले गए आईपीएल के 12वें सीजन में सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ गेंदबाजी करते हुए 3.4 ओवर में महज 12 रन देकर 6 विकेट चटकाए थे। आईपीएल इतिहास का बेस्ट बॉलिंग फिगर जोसेफ के नाम दर्ज है और वो इस लिस्ट में सबसे ऊपर यानी पहले स्थान पर है। फिलहाल उनका ये रिकॉर्ड तोड़ना काफी मुश्किल लगता है, क्योंकि इससे पहले आईपीएल के पहले सीजन में बेस्ट बॉलिंग फिगर्स दर्ज किया गया था, जिसके 11 साल बाद वो रिकॉर्ड जोसेफ ने साल 2019 में तोड़ा। तो आपने ये देखा कि किस तरह से गेंदबाज बल्लेबाजों को परेशान करते हैं और उनके ये फिगर्स जो कि गेंदबाजी में अच्छे होते हैं, ये मैच जीतने में भी टीमों को काफी कारगर साबित होते हैं। और यही वो गेंदबाज होते हैं जो विश्व के पटल पर अपना नाम बड़े स्तर पर दर्ज करवाते हैं। लिहाजा आने वाले समय में जब संस्करण होंगे आईपीएल के, तो उम्मीद की जानी चाहिए कि इसी तरह से गेंदबाज उभर कर सामने आएंगे। जो अभी तक क्रिकेट में बल्लेबाजी का गेम कहा जाता है, ये गेंदबाज अपने दम पर पूरे मैच को पलट देंगे। फिलहाल ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये आप जरूर बताइए कमेंट करके हमें। और अगर अब तक आपने एनएन स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए। हर वीडियो के साथ जुड़े रहिए।